एक जुमला मेरा याद रखो, गौर से सुनना, अगर समझदार हो फैजान है। मैं इतने दिनों का मुहासबा करता हूं तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी टोपी वाले, बड़े बड़े मुल्ला बहुत हैं। दो बातें कहने जा रहा हूं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी टोपी वाले, बड़े बड़े मुल्ला बहुत हैं, लेकिन बड़े बड़े काम करने वाले प्यारे उनको पहचानो। बड़ी बड़ी बातें करना और है, बड़ी बड़ी बातें करना और है, बड़े बड़े काम करना और है। अब कहोगे ये क्या फलसफा है, तो सुन लो। अल्लामा रूम पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, अली रहमतुल्लाह, लेकिन जब बड़े बड़े काम करने वालों के गुलाम बने तो बड़े बड़े काम करने लगे। मुल्लाओं की टोली असल में बड़े बड़े काम करने वाले, बड़े बड़ों से जब से जुदा हुई, जब से कटी तो मरी। बोलो क्या हुई, मरी। सुन लो, तुम कहोगे क्या फलसफा, सुनो, बड़े बड़े काम। अल्लामा रूम आपको तो पता है, मैं बहुत शॉर्ट में निकलूंगा। जब सरकारे शम्स तबरेज ने कहा था रदी अल्लाह तआला, मौलाना ये क्या है, तो मौलाना उस टाइम फ्लाइंग कर रहे थे, जैसे आज भी उड़ते हैं, गांव देहात में आके हमदुल्ला सुनाते हैं बेवकूफ। अबे गांव देहात में हमदुल्ला मत सुनाओ, इमाम जाफर सादिक की नियाज कराओ बेवकूफ रदी अल्लाह तआला। गांव देहात में मीर जाहिद मत सुनाओ, मखदूम अशरफ सन्नानी की नियाज दिलवाओ, ख्वाजा अजमेरी का जिक्र कराओ। तो अल्लामा रूम ने भी अपने स्टाइल में कहा, हजरत ये आप क्या समझने की चीज नहीं है। हजरत भी टोन समझ गए, लेकिन इनकी बेड़ियां वो होती है ना, जब फेंक देते हैं ना पट्टा, हाँ, तो फिर ये पूछो पट्टे की अजमत बू अली शाह कलंदर से। सुभान, इन सैयदों पे भूखने वाले बंदर से नहीं, अजमत मुस्तफा बू अली कलंदर से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान रदी अल्लाह तआला। और उनका नाम लेना जिम्मेदारी से कह रहा हूं इबादत है। सुभान, हम बू अली को नहीं समझ सकते, ये अरे हम बू अली को नहीं समझ सकते तो अली को क्या समझोगे। बेश, अब कहोगे भैया बू अली कैसे समझे, तो बू अली को समझना तो अमीर खुसरू के पास जाओ। सुभान, अमीर खुसरू गए नहीं थे, महबूब इलाही ने भेजा था। और सुन लो, जिंदगी में मेरा यह जुमला काम आएगा जो सीखा सरकारों से, जब शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया बुरहानुल आशिकीन सुल्तानुल आरिफीन, सुभान अल्लाह, सुभान, शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया, सुभान, शेखुल मशाइख, सुभान, मजहरे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सुभान, मजहरे कुतुबुद्दीन बुख्तियारे काकी, बेशक, मजहरे सरकार शेखुल शुयूख फरीदुद्दीन गंजे शकर निजामुल हक वद्दीन वद्दुनिया, सुभान रदी अल्लाह तआला हुसैनी, सुभान, उनसे पूछो अमीर खुसरू को भेजा। मैं लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, वो तो नसीब वालों को वो कहानी सुनने को मिलेगी। जी जी जी, तुम्हारी हमारी नानी दादी बचपन में इन मौलवियों से अच्छी थी, जी इनसे अफजल थी, जी तुम्हारी हमारी नानी दादी, जी जी जी, गलत कह रहा हूँ तो सोचना, बचपन याद करना, औलिया के वाकयात सुनाती थी, जी तस्किरा करती थी, हैं? ये खा गए मौलवी, चंदा खोर हराम खोर। महबूबे इलाही ने अमीर खुसरू को जब भेजा, वाकया लंबा है मुख्तसर ये, तो कहा अमीर खुसरू एक वसीयत याद रखना मेरी, सारी बातों में ये अहम चीज है, कहा उजूर फरमाया जाए, कहा कलंदर है वो, सुभान, महबूब हैं, प्यारे हैं, अली तो वहां हैं, बुए अली हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, अमीर खुसरू
अदब का दामन थामे रहना सुभान। और अगर चाहते हो कुछ फैज मिले, जुमला सुन रहे, चाहते हो अगर फैज मिले तो सवाल मत करना सुभान, सवालात मत करना, चूचरा मत करना, उनकी बात पे एतराज मत करना। मैं समझता हूं जिस दिन से बू अली शाह कलंदर का फैज अल्लाह हम सबको अता फरमाया देता, मुल्लाओं ने बुजुर्गों का दामन छोड़ा, सुन लो जुमला बुनियादी, उस दिन से मौलवी जलील होने लगे। मुझसे बंबई में कई जगह ये बात आई खलवा जलवत में, भैया आलिमों की इज्जत नहीं रही। मैंने कहा होना भी नहीं चाहिए। क्यों? पहले डिफाइन तो करो आलिम के जालिम, पहले क्लियर तो करो आलिम के जालिम। अबे आलिम कौन है? जो अहमद मुख्तार कहे वो आलिम है, सैयदुल अबरार कहे वो आलिम है, इमामुल अंबिया कहे वो आलिम है, मुख्तारे दो आलिम कहे वो आलिम है, और जो तफीरा तफीरी कुत्ता बेबस कहे आलिम नहीं वो सालिम। बेश बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन्नबी, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। तो मैं क्यों आया, जो शुरुआत की थी मैंने फर्ज आजम और मिलाद शरीफ पढ़ने। सुभान, बोलो क्या पढ़ने आए? मिलाद शरीफ पढ़ने। सुन लो जुमला, आगे काम आए तो दोनों जहान में महकोगे। जब कोई मुल्ला हक वाला, ये सुले कुल्ली की मुल्ला की बात कर रहा हूं, हक वाला कोई ना मिले, कव्वाल बुला के खाजा की मनकबत सुन लेना। आए हाय हाय जी, कितने गांवों में मुल्लाओं ने कव्वाली रुकाई है, गवाह कोई? कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जहां कव्वाली रुकवाई मुल्लाओं ने, हैं एक आध? अगर किराया हो तो मेरे पास आ जाना लेके शेर रजा के दर पे। सुनो सुनो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोग बैठे, जब तक मुस्तफा जाने रहमत करम ना फरमाए, इल्म का समंदर बहा दे कुछ नहीं मिलेगा। बेशक बेशक बेशक, कुछ नहीं मिलेगा। एक देहात का किसान, मैंने हिंदुस्तान की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जुमला कहा था, अरे मौलवी मुफ्तियों तुम सुनो, नबी की अजमत पे हमला, तुम गूंगे शैतान बने बैठे हो, नबी की अजमत पे हमला, तुम मुंह में आपके जाम लिए बैठे हो, नबी के वकार पे हमला, तुम मदरसे का चंदा कर रहे हो, तो महबूबे इलाही ने कहा मोदी को रख दूंगा, मदरसे ही बंद कर दूंगा। बेश, मैंने तो अभी कहा, मैंने कहा भाबड़ो आए हथौड़ा के कमीनों नेताओं के चमचो, आए यजीदी कुत्तों, बबेरू वाला चला गौथ पाक की बारगाह में, अरे बोले कहां चले, जो करता अल्लाह ही करता, अल्लाह के बगैर जरा नहीं हिलता। बबेरू वाला अजमेर शरीफ चला, अरे बोला कहां चले, जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो करता अल्लाह ही करता, अल्लाह के बगैर जरा नहीं हिलता। बबेरू वाला पीलीभीत शरीफ चला, बरेली शरीफ चला, आस्ताने आला हजरत पर चला, मखदूमे समना की धोचवी की बारगाह में चला, सरकार सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, बेश बेश अल्लाह अकबर, हसनी हुसैनी बारगाह में कदम बोसी करने, बोले कहां जा रहे हो, जो करता अल्लाह ही करता, अल्लाह के बगैर जरा नहीं हिलता, जो मांगो अल्लाह से मांगो। तो दिल्ली से भोपाल तक के भाबड़ो, ये अपना पुराना वजीफा क्यों भूल गए? हमारा तो अकीदा है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेश सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा तो अकीदा है, जो माने बैठे उसे क्या मनवाओगे जी? तौहीद तो बुनियाद है, लेकिन तौहीद तुम क्या समझोगे? तौहीद समझी सिद्दीक़े अकबर ने, तौहीद का माना समझा फारूक़े आज़म ने, सुभान, खुल्फ़ाए राशिदीन ने, सहाबा अहले बैत ने जब समझा, तभी तो नबी ने कहा इनके पीछे रहना। सुभान, बेशक पीछे रहना,
लेकिन आए अकल के अंधो, आए देव के बंधो, जरा हमारी पब्लिक भी तो इनका पजामा पकड़ा करे। हमने कूड़े किया जो करता लही करता, हम निजामुद्दीन औलिया में चले जो करता लही करता, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने तो दिल्ली में पकड़ के पूछा अपना वजीफा क्यों भूल गए, जो करता लही करता, अल्लाह के बगैर जरा नहीं होता। मोदी को अल्लाह लाया, योगी को अल्लाह लाया, तो नानी क्यों मर रही है? बेश बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने खुलफाए राशिदी, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। कोई शक नहीं, नो डाउट, जो करता अल्लाह ही करता, ला हद लहू वला निहायत लहू, लेकिन अल्लाह ने नबी बनाया, बेशक अल्लाह ने रसूल भेजा, जी अल्लाह ने वली बनाया, बेशक अल्लाह ने अली बनाया, तेरे बाप ने बनाया, अल्लाह ने ही बनाया, अल्लाह ने पता बताया। भटकते मत रहना, महबूब को भेजा है, भटकते मत रहना, महबूब को भेजा है। भाई भला मुहफुसा हूँ, जाओ अगर अपनी जानों पे जुल्म करो सुभान, तो कहाँ जाओ? महबूब की बारगाह में सुभान। भाई भला मुहफुसा हूँ, जाऊँगा जाऊँगा, सिर्फ आगे बढ़ूंगा शॉर्ट शॉर्ट में। हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, आए हैं सुभान। सरकार मुजरिम बिन बुलाए नहीं है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। या रसूल अल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है, हाँ फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। मंगता के हाथ उठ दे ही दाता की देन थी, मंगता कहा तो उठ दे ही दाता की देन थी। दूरी को बोलो अर्ज में बस हाथ भर की है, हाँ दूरी को बोलो अर्ज में बस हाथ भर की है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बनाया नबी, अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने पता बताया। अए देव के बंदो, अए बहाबड़ो, और रब ने फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, जाओ वसीला तलाश करो। तो हम तो ये मानते ही है, ये तुम्हें शक होगा मर्दूदों को, हमें तो शक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल है, जो करता अल्लाह करता। लेकिन जरूर पूछना उतंगे चट्टी वालों से, हाँ ये कबड्डी वालों जरूर पूछना कि भाई बचपन से सुनते आए, दरगाह पे क्या करोगे जो करता अल्लाह ही करता, मदार पे क्या करोगे जो करता अल्लाह ही करता, कुंडे की नियाज से क्या मिलेगा जो करता अल्लाह ही करता, जो करता अल्लाह ही करता, मोदी को अल्लाह ही लाया, योगी को अल्लाह ही लाया, मोहन भागवत अल्लाह ही लाया, सब तो अल्लाह ही लाया। तो बेटा आप पजामा गीला क्यों? तुम क्या समझो बादशाहत निजामुद्दीन की, निजाम निजामुद्दीन का? बेश 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तुम क्या समझो ये हम निजामी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदी भी हैं, अली भी हैं, हुसैनी भी हैं, फातिमी भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, फारूकी भी हैं, अलवी भी हैं, जाफरी भी हैं, कासिमी भी हैं, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, बरकाती भी हैं, कुतुबी भी हैं, फरीदी भी हैं, साबरी भी हैं, बदी भी हैं, मदारी भी हैं, औलिया हमारे हैं, हम उनके गुलाम। बेश बेश सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने खुलफाए राशिदीन, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। जहां जमतिया मिले कहना भाई साहब आज तक सुना था जो करता अल्लाह ही करता, ये मोदी को कौन लाया? ये इतना जरूर पूछोगे गोंडा वालों,
बबेरू वालों किसी भापड़े से इतना जरूर पूछोगे, बचपन से सुनते रहे हम मदार पे जाते थे, तुम्हारे बाप कहते थे मर के चले गए जहन्नम हथौड़ा के मरदूद, और कितने जहन्नम चले गए, और मिलादे मुस्तफा पे चरागा है आज भी लेकिन उनसे जरूर पूछना भाई हम बचपन से सुन रहे हैं, जो करता अल्लाह ही करता, जो करता अल्लाह ही करता, मोदी को अल्लाह ही लाया, योगी को अल्लाह ही लाया, मोहन भागवत को अल्लाह ही लाया, तो तुम्हारी कटिया क्यों खड़ी हुई। अब ये चिश्ती निजामी साबरी हुसैनी गुलाम से पूछो क्यों लाया, सुभान, तो हमारी औकात को नहीं हम क्यों कर सके जी, अल्लाह जाने जी, बेशक उसकी अते उसकी अता उसके बताए से उसका महबूब जाने, बेशक बेशक उसके प्यारे के बताए से महबूबा ने बारगाह जाने, बेशक हाँ जितना छीटा मिला और एक कतरा मिला जी, तो हमें भी निजामी आवाज आई बेटा घबराओ नहीं, तुम लोग बहुत लड़ लिए, बेटा बहुत लड़ लिए जी, हाँ अब डंडे की भी जरूरत है, बेशक बेशक बहुत मुल्लाओं ने अंडे खाए मदरसे में, अब डंडा भी चलने दो बेटा, गरीब नवाज की आवाज आई बेटा बहुत लड़े तुम लोग, अल्लाह कबूल फरमाए और इंशाल्लाह हम सबकी नस्लें लड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात आ गई तो बता दूं, इसको नहीं मानता मेरी जिंदगी में जो और दुआएं हैं उसमें ये भी दुआ है कि अल्लाह रसूल उनके प्यारे आलो अस्हाब इत्रत महबाने बारगा बिलखुसूस मौला अली अहले बैत हसनैन फातिमतु ज़हरा ज़ात अजमईन के इज्जत और अज़मत और नामूस उनकी जात के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे और उन्हीं की मोहब्बत में मरेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बोलो वादा करते हो जी, और मियां ये हाथ ना भी उठाओ, दिल तो वहां पेश है सुभान अल्लाह, दिल तो वहां पेश है, हाँ तो महबूबे इलाही की आवाज आई बेटा अब तुम लोग तो लड़ लिए, तुमने कहावत नहीं सुनी है लातों के भूत, तो ये बातें आपसे हो रही हैं। वहां अब्दुल जब्बार साहब हशमती अल्लाह अच्छा रखे इन सबको और तमाम हशमती मुशाहिदी चिश्ती अशरफी कोई हो किसी का मुरीद हो अपनी खानका का दर्शी नहीं है सुभान अल्लाह सुभान, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे हैं हमारे यहाँ भी हैं, ये कोई मियार नहीं है, मियार तो ये है जो हक पर है वो अपना है सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। ये मत भूलना ये कानून सबके लिए है, मनकबत तारीफ करना आसान है, ये मियार सबके लिए है, ये रखी वसाइश लेके आया सरकार की अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया मेरा दीन मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है सुभान अल्लाह सुभान, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है, अल्लाह कायम रखे को आमीन 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 रजी अल्लाह तआला। तो लिहाजा हम तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हुजूर ने कहा थोड़ा इनको चटनी मिलने दो, क्या हुआ मेरे महबूब पाक की बारगाह में करीब में एक आदमी था, मैंने खाने का होटल पूछा उससे, बहस हो गई, मैंने कहा मर्दूद एक बार बता तूने जन्नत देखी, बोला क्या मतलब जन्नत तो किसी ने देखी, मैंने कहा देखी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सुभान सुभान। तो उसके बाद बात होते होते खैर मैंने कहा मर्दूद करीब रहता है, ये फूलों की गली महबूब इलाही की है, हाय हाय सुभान हाँ सुभान। और मैंने कहा जहन्नम देखना है तो ये सामने मरघट है, आए हाय कई बार हाजिरी हुई दिल नहीं मानता आप लोगों से कह दूं, हुजूर में सोचा हुजूर ये क्या माजरा बहुत औलिया में गया, लेकिन आप सुल्तानुल औलिया हो सुभान, अरे कहां कहां मेरे महबूब पाक का राज नहीं है, क्या समझेगा कोई महबूब पाक की अजमत, ये तो आला हजरत से पूछो, मजर आला हजरत से पूछो, और वो अताए रसूल हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जाओ किसी मजार पे 40 दिन बताओ पढ़ने को बैठो, वो अताए रसूल हैं और शेरे हिंदुस्तान अताए गरीब नवाज का नाम सुभान अल्लाह सुभान बेश बेश अताए महबूब इलाही सुभान। जाओ मैंने कहा सरकार आपकी फूलों की गलियां अंदर 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 इतनी लंबी सरकार, एक दिन सोचते सोचते दिल में बात आई कि बेटा ये खबीसों का मरघट है तो वहां की हवा से जब निकलता है तो फूलों में पहले नहा के आता है जी हैं, तब आला हजरत याद आते हैं,
क्या महकते हैं महकने वाले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या महकते हैं महकने वाले हाँ क्या महकते हैं महकने वाले क्या महकते हैं महकने वाले क्या महकते हैं महकने वाले बुप चलते हैं भटकने वाले बुप चलते हैं भटकने हम लोग तो औलिया के दीवाने दर के कुत्ते उनके हमसे अच्छे हैं बेशक मुझसे तो अच्छे हैं भाई तुम सब अच्छे हो सुन्नी मैं क्या बताऊं हुजूर मशहूदे मिल्लत का जब ये आलम सुभान रजी अल्लाह तआला सुभान मुल्ला पीर मरे जा रहे नाम हो जाए नाम हो जाए नाम हो जाए नाम हो जाए अबे सरकार के दीन का काम हो जाए तो नाम हो जाए बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेश निशानों का निशा मिटता नहीं मिटते 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 नाम हो ही जाएगा हम मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा और लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा इंशाल्लाह लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा शाद हर ना काम हो ही जाएगा के गम तो उनको गम तो हमको गम तो हमको गम तो उनको भूल कर लिपटा है यूं गम तो उनको भूल कर लिपटा है यूं जैसे अपना काम हो ही जाएगा और साइलो दामन सखी का थाम लो हाँ साइलो दामन सखी का थाम लो बाग खुल्द कराम हो ही जाएगा गर यूं ही हाँ गर यूं ही रहमत की तावी ले रही मुल्लागिरी करते हो बू अली शाह कलंदर के एक प्यारे कलंदर की पोटली में और पोटली के कोने में जितना इल्म होता है वो तेरे मदरसे की अलमारियों में नहीं होता हाय 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 बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है क्या समझेगा तू शेरे हिंदुस्तान को हैं हजरत इस पे नहीं बोलते उस पे नहीं बोलते हजरत चरागे मोहब्बत मुस्तफा जलाते हैं सुभान अल्लाह सुभान सरकार की मोहब्बत का चराग जलाते हैं अल्लाह रसूल के फतो करम से और जला दिए जलते रहेंगे और दुश्मन देख देख के जलते रहेंगे बेशक बेशक तो क्या फरमाती है अल्लाह हजरत गर यूं ही रहमत की तावी ले रही गर यूं ही रहमत की तावी ले रही मदह हर इल्जाम हो ही जाएगा कह दो मदह हर इल्जाम हो ही जाएगा और ऐ रजा मेरे रजा मुर्शिद रजा ऐ रजा ऐ रजा हर काम का एक वक्त है ये तथीरियत को कुत्ता बनाने का भी वक्त था ये बन गए कुत्ता ये महबूबे पाक वाले निपट के हाथ डाल लेते जाओ बेटा हाँ हमने तो हमेशा खलवा जलवत में कहा माने तो ठीक है वरना इसके अब्बा से लकड़ी नहीं लेना है न धान लेना न अपना चंदा धंधा है अपना तो धंधा यही है अपना धंधा क्या है दुश्मन अहमद शेतत कीजिए हाँ दुश्मन अहमद शेतत कीजिए मौलवी बनिए लेकिन दुश्मन अहमद शेतत कीजिए दारुल उलूम बनाइए ये नहीं इलाहाबाद में एड में जाके गूंगे बन जाइए और गांव लुटवाइए और मुशाहिदी अशमती लिखवाइए हलाली हो तो सामने आओ तो
दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, हाँ दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। मिलाशी पढ़ने आए ना हम लोग, मिलाशी पढ़ने आए जी, अभी शरबत भी आएगा इंशाल्लाह, अहले बैत की नियाज भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये तो अपना हमारा तुम्हारा नसीब है सुभान अल्लाह। एक मलंग का जुमला बता रहा हूँ, मौलवी का जुमला सुनते रहते हो। एक मलंग थे, फकीरों में बैठ के भी अल्हम्दुलिल्लाह रहमत के छींटे बहुत मिले, ये करम है उनका। हाँ, तो उनसे कहा ये कहाँ लिखा, वहाँ कहाँ लिखा, वो अपने कश लगा रहे थे, कहा लिखा बाबा ये कहा लिखा, बोले गधे की औलाद चला गया, बस ना तुझे मालूम दे बाप को मालूम, अबे ये तो हम हुसैनियों के नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल बताना क्या, आला हज़रत फरमाते क्या सुभान अल्लाह, एक एक चीज सोने से लिखो तो कम है, अमल करते रहना इंशाल्लाह सुन्नी रहोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरमाते कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, हाँ कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जान का फिर पर कयामत कीजिए, हाँ जान का फिर पर कयामत कीजिए। अब लोगों ने सुना कि यार रजा वाले तो सुबह शाम चर्चा करेंगे और यहाँ कयामत होगी, तो आला ने आगे भी लिख दिया कि तुम सुबह शाम की बात कर रहे हो, मरते दम है बाकी जिसकी करता है सना, है बाकी जिसकी करता है सना, अरे मरते दम तक, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए, हाँ मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान सुभान। अभी मैं जश्ने मौला अली हुआ रदी अल्लाह ताला, इससे पहले उर्से मौला अली हुआ, दर हशमत अली का उर्स मौला अली का, सुभान सुभान। ये निस्बते मोहब्बत वाले समझ सकते हैं, सुभान अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सुभान अल्लाह। बहरहाल इसी बीच में उर्से फारूक आजम भी हुआ, लंगर हुआ, तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है सुनने पढ़ने वाले के आंसू आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मुसलमान इसके उसके पीछे पड़े हैं, सुले कुल्ली मौलवियों के, मदरसे वालों के, हराम खोरों के, चंदा खोरों के, और ये लुटेरे पिलपिले और ये सुले कुल्ली आजी पाजी के, और इनकी तारीख निकल गई। मुसलमान तो मुसलमान, कितने इमाम हैं जिन्होंने फारूक आजम का जिक्र किया उस तारीख में, कितने इमाम हैं, कितने पीर हैं, कितने पीरजादे हैं। ये गद्दा नशीनी सदका है बारगाह फारूकी का, ये सजादा नशीनी सदका है बारगाह फारूकी का, साहबा अहले बैत की बारगाह का। सुनो ये तकरीर बहुत सुन चुके, ये दिल की बातें अर्ज कर रहा हूं। मैं किताब पढ़ते रोता रहा, और पता आला हजरत याद आया, कसम खुदा की यही शेर जबान पे आया, कह दो सुभान अल्लाह। तर्जमाने नबी, हाँ तर्जमाने नबी, हम ज़बाने नबी के, तर्जमाने नबी, हम ज़बाने नबी, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम के, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। इन हिजलों का नाम लोगे तो जलखे बन जाओगे, बावजू या गौस कह के फारूक का नाम लोगे तो नस्लों में मर्द पैदा होगा। बेश बेश सुभान अल्लाह बेश, हाय हाय, नारे तकबीर शेर की ललकार, सुभान अल्लाह जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। पढ़ो सारी तकरीरें हो गई, साफ सुन ली, पढ़ो। तर्जमाने नबी, हम ज़बाने नबी, हाँ जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, और फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा,
خالقِ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شیدت پہ لاکھوں سلام کہ تیغ مسلول شیدت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل یعنی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اور یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا خلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ہاں پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ہجڑوں کا نام لیتے ہو کتوں کا نام لیتے ہو آج یوٹیوب پہ لوگ کس کو سننا ہے طارق ذلیل کتے کو طارق ذلیل ہجڑے کو جس کی شکل کتے سے بدتر ہے جی معاذ اللہ جی بس اشارے میں کہوں گا حسین کے خادم کی شکل دیکھ لے بے شک دشمنوں کے رب کا صدقہ کیسا ملتا ہے سبحان اس کے مقابلے اس کو سنتا ہے جو رنڈیوں کو بلاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین پھر ہندوستان کا مسلمان کمروں میں چھپ چھپ کے سمجھتا ہے عبدالجبار تھوڑی دیکھ رہے ہیں راشد تھوڑی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں خیر مناؤ جو آگے ہونے والا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے اپنی رحمت سے اپنے محبوب کی رحمت سے خیر مناؤ کون دیکھ رہا ہے میرے باپ کا فرمان نہیں یہ ملہ کے باپ کا دین نہیں ہے سجادہ کے باپ کا دین نہیں ہے گدہ نشین کے باپ کا دین نہیں ہے ملہ پیر کے باپ کا دین نہیں ہے یہ پیر ملہوں کا دین نہیں ہے یہ حسین کے بابا جان کا دین ہے حسن مصطفیٰ کے بابا کا دین ہے اس خاکدان گیتی پہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کا دین ہے تو وہ علی کا لال بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیش بیش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جربوں کے پاس لیٹ لیٹ کے طارق ذلیل کو سنو پھر کہو کرونا ابھی سوچو کتنا ہے آگے رونا ابھی سوچو کیونکہ جب تک اس ٹریک پر نہیں آؤ گے اس راستے پہ جب تک درِ مصطفیٰ پہ نہیں آؤ گے درِ فاطمہ پہ نہیں آؤ گے درِ حسنی حسینی پہ نہیں آؤ گے درِ آلِ اصحاب و عطرت پہ نہیں آؤ گے درِ غوث پہ خواجہ پہ اولیاء کے در پہ یہ ہجڑے بھی کٹتے رہیں گے اور ساتھ میں تم بھی لپٹتے رہو گے یہ میں نہیں کہتا اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اسی رسی میں ان کتوں کو ہی باندھا جائے گا اللہ آج موبائل آ گیا انڈرائیڈ سوچتے کون دیکھ رہا ہے پوچھو ان علماء سے اور کون علماء عالم تو میرا خواجہ ہے عالم تو میرا محبوب الہی ہے عالم تو نظام الدین اولیاء ہے عالم تو نصیر الدین چراغ دہلی ہے سبحان اللہ عالم تو سید بندہ نواز یسوع دراز ہے سبحان اللہ سبحان آج کے پھٹو کو میں عالم نہیں مانتا الا ماشاءاللہ اللہ خادم بنا دے حق والوں کا بہت بڑی بات ہے عالم تو اعلیٰ حضرت ہیں مدر اعلیٰ حضرت ہیں ان کے پیارے ہیں اعلیٰ حضرت مراتب عالم خیر کرو خیر مناؤ ببیرو والو وعدہ والو تقریب بہت کرنے آئیں گے آگے کرانا تم جانو تمہارا کام یہ گپ نہیں ہے ایک ملنگ کا جملہ بتا رہا ہوں پنجابی اسٹائل کا یہ تم جو باتیں سننا نا دو فرشتے حساب لکھ رہے ہیں یہ گپ نہیں ہے گپ یہ سچائی ہے یہ سب لکھ رہے ہیں اور اب فرماتا ہے تم چھپ کے ملتے ہو یا کھلے طور پہ ملتے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں اللہ سبحان میں سب دیکھ رہا ہوں میں سب دیکھ رہا ہوں وقت ہوگا تو کبھی اس پر بات ہوگی تاریخ ذہی کو سن رہے
तारिक मसूद कुत्ते को सुन रहे हो? जहन्नमी कुत्ते को? एक इंजीनियर खबीस उस कुत्ते को सुन रहे हो? सुनो मेरी बात, तफसीली बात करना हो तो पीलीभीत किराया खर्चा करना, कुरान हदीस से लेके जितनी किताबों से कहोगे साबित कर दूंगा, जलसे में इतना टाइम नहीं होता कि हर बात डिटेल से हो। फतवा सुन लो, तारिक जलील जैसे कुत्ते को, तारिक मसूद जैसे कुत्ते को, इंजीनियर जैसे कुत्ते को, या इन जैसे दूसरे गुस्ताखे रसूल, खुदा रसूल की तौहीन करने वाले कुत्तों को सुनना रंडी की सोबत से बुरा है। सुनने में आया? जिना से बदतर है। बोल दो, शर्म आ रही है? जी 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 जी, बेशक। चूतड़ों पे पैंट है, शर्म नहीं आती है? ईसाइयत में शर्म नहीं आती है? बच्चे स्कूल में शर्म नहीं आती है? मुजाहिद बनने में शर्म आती है? अरे तुम सात दो ने तो तेवरे फारूकी है, सिद्दीकी है, मन तन्हा बाशम या रसूल अल्लाह, मैं अकेला भी हूँ लेकिन हक पे रहूंगा, हक कहता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना कानों से, इन कमीनों को सुनना। और सिद्दीक अकबर का याद करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तुम जरा सोचना कभी बाकी मेरी बातों को। तुमको अल्लाह के महबूब के महबूबाने बारगाह से इतना दूर कर दिया गया है, ये बर्बादी कहां से आई? जो उसमें मोटे मोटे पॉइंट है वो भी सुन लो, वजूहात। ये कूड़े क्यों होते हैं? ये भी मुल्लाओं की देन। ये 22 को क्यों होते हैं? तो मौलवी जी आप 23 को पैदा क्यों हुए? आप 13 को आते ताकि 3-13 नहीं करते? जब ऐसे ऐसे पागल होंगे तो क्या होगा कौम का? अबे तेरी दादी करती रही 22 को, तू भी 22 को कर, बेशक बेशक। दादा करते रहे तू भी 22, तेरी नानी करती रही, तेरे बुजुर्ग करते रहे तू भी कर। जी मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ लोगों को। लोग मर कहाँ पे रहे हैं पता? ये जानते हैं? इन लोगों से पूछो पढ़े लिखे। अल्लाह ताला मुजाहिदे सुन्नियत, हमारे तारिक भाई की याद आ गई, इनके वालिद भी हशमती अल्हम्दुलिल्लाह, इनके दादा भी हशमती अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे हशमती के बता रहे थे हमने पीर के बैलगाड़ी के साथ में चले हैं। सुभान अल्लाह। और वाकया सुनाते थे कि बेटा वो अली का शेर था, उसका मफहूम मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि जब कभी बैलगाड़ी फंस जाए तो हम लोग बैलगाड़ी को हाथों पर उठा लिया करते। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो थे हशमत अली वाले, मौला अली वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिजवान तो अजमाइन, वो जनाब तारिक हाशमी साहब, फिदाए हुजूर, गुलामे हुजूर शेर हिंदुस्तान, और हमारे जनाब जरार भाई हशमती, और जो भी आए मेरे साथ में, और जो नहीं भी आ पाए, जो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सबका भला करे। आमीन आमीन। हम सब कि दोनों जहान में खैर का मामला फरमा दे, दोनों जहान में खैर का मामला फरमा दे मौला, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले मौला, जिंदगी भर इस मिशन को लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था, मुझे उनकी बात से याद आया कि तारिक भाई ने मुझसे लखनऊ में कहा, जब मैं आया मकनपुर शरीफ से, सैयदना सरकार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह तआला, मेरे आका हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, सुभान अल्लाह। अब कोई जाहिल मदारी क्या बके, तो जाहिल रदी भी तो हैं। उसमें खासियत मदारी की क्या है? अगर नाम निहाद मदारी हैं तो नाम निहाद बरेलवी भी तो हैं, नाम निहाद बोली है कि नहीं है, नाम निहाद अशमती भी तो हैं, नाम निहाद मुशाहिदी भी तो हैं। सच्चे रजवी को मतलब वसाया शरीफ से, सच्चे हशमती को मतलब आला हजरत से, कुतुबे आला हजरत से, और सच्चे मदारी को मतलब बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार से रदी अल्लाह तआला। मेरे आका हसनी भी है, हुसैनी भी, आज भी बाड़ा बट रहा है सुभान अल्लाह। हाँ, कानपुर वालों को कुछ और मिला नहीं मिला ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ कानपुर के दायरे में आते ये भी उनका नसीब है, ये नसीब है उनका। हाँ, मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूँ, हालांकि हमारे सरकार तो कहाँ से आए थे वो सब बात की बातें हैं, ईरान है कि मशहद है, कहाँ से आए वो जाने उनके प्यारे जाने, लेकिन हम गवानों की बात कर रहे हैं कि हम गवान क्या जाने, ये हसनी हुसैनी शहजादे नंगे पैर चल के तुम्हारी हमारी मोहब्बत में आए थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान सुभान। इन प्यारों का दामन छोड़ के सुभान, और इन बीड़ा खाने वाले इन सुले कुली टपोरियों के पीछे लग गए हो तो बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगा? तो तारिक भाई ने एक जुमला कहा कि भैया
अगर ये औलियाए किराम के मज़ारात ना होते तो ये गुलाम जाते कहाँ? तो मैंने कहा ये फैजान शेर हिंदुस्तान बोल रहा है सुभान, और माशाल्लाह हाजिरी देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे साथ आए आप लोगों को भी अल्लाह इन दरों से करीब रखे, आमीन। तो अर्ज क्या कर रहा था, क्या बात चल रही थी, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान, कि अपना नसीब क्या है। एक बात मैं कह दूं, एक बात में सुनोगे, आला हजरत कहते मुझे बहुत पसंद सारी बात उसमें कह दी। फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान सुभान अल्लाह सुभान। तो अर्ज ये कर रहा था, फारूख आजम का दिन निकला, बांदा वालों बबीरों वालों ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे इलाके के इमामों ने फारूक आजम की कुर्बानियां तुम्हारे सामने पेश करी? बोलो शर्म आ रही, बोलो। उस्माने ज़ुनूरैन का दिन निकला, सरकार पे हमला कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जिस दस्ते पाक से कुरान पाक लिखा था, आज उस्माने ज़ुनूरैन का वो हाथ काट दिया गया। उनके मुकाबले में चंद कुत्ते समझते हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह जो वो कर गए उसकी मिसाल कयामत तक कोई नहीं दे सकता। बेशक बेशक बेशक। किसी को एहसास है कि जब फारूक आजम सरकार को दूध पिलाया गया तो शहादत के करीब कबले शहादत वो जख्मों से बाहर निकल गया? अल्लाह, क्या आपको एहसास है कि इब्ने मुलजिम नाबकार ने शेर खुदा को जो जहर आलू जहर में बुझा हुआ खंजर मारा, आज कौन जा रहा है? आज वो सरकार का लाडला। कह दो सुभान अल्लाह सुभान, कह दो सुभान अल्लाह सुभान, कि जिसके बारे में आला हजरत की किताब में जब से मैंने लिखा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नागा नहीं करता हूं, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए, चाहे अकेले में पढ़ लिया करो। फरमाते आला हजरत कह दो सुभान अल्लाह सुभान। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है वो अली है, अली है हा अली है वो अली है। आज को मौलाए कायनात का अल्लाह अकबर दिन है रज़ियल्लाहु अन्हु सुभान। क्या आपके मदरसे वालों ने बताया, शर्म आ रही है, चंदा तो ढूंढ ढूंढ के सूंघते हैं, तुम्हारे फुप्पा के साला के साली के मामा के मामी के फला बंबई में रहते हैं, काकरोच भी कहां कहां जाएगा, ढूंढ ढूंढ के गली कूचे पहुंच जाएंगे, आप बबीरों में रहती हैं। मैं तो नहीं, मेरे अब्बा ही मर गए बहुत पहले, कोई रहता था। चंदा ढूंढ के ले आओगे और हक तुम्हारे बाप बताएंगे, चंदा बंबई जाओगे लेने के लिए और हक के लिए कह दोगे हमें पता ही नहीं था, हक बताया जाए तो हंसते हो। अरे नूह अलैहि सलाम का वाकया उठा के देखो, ये गप नहीं है, गप, इनकार कर दो काफिर हो जाओ। जी जी जी, पुराने पाक में लिखा है, समझ लिया, खाली बस तरावी पढ़ ली, हो गया काम। जब कश्ती बनाई जा रही थी, अल्लाह का हुक्म क्या आया, मफहूम आयत करीमा तफसीर कुरान शरीफ में देखिए, अरे नूह तुमने अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करी, सुभान, दीन बता दिया, हक बता दिया, अब तुम अपने चहीतों को प्यारों को लेके कश्ती में सवार होके चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान, जिधर तुम जाओगे उधर अमान जाएगी, सुभान, उधर रहमत जाएगी। तो बताया उसके बाद भी लोग हंसते थे कि कश्ती बना रहे हैं, आज भी कुछ लोग हंसते हैं, 2020 में भी हंसते थे, 19 में भी हंसते थे, 18 में भी हंसते थे, 17 में भी हंसते थे, आज कहां पहुंचे तुम? और सैयद फरीद साहब जन्नत पहुंचे, सुभान सुभान रदी अल्लाह तआला, वली इब्ने वली इब्ने वली सुभान, वो शहजादा मैंने इश्क में डूब कर मिला शरीफ पढ़ने वाले और सुनने वालों में अगर कोई जाते देखी तो इसमें एक मखदूमी सैयद फरीद हसन साहब क़िबला की जात है रदी अल्लाह तआला, सुभान सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह।
तो इन प्यारों का जिक्र जरा गौर करो, इनका जिक्र छुड़वाया जा रहा है, ये 22 को क्यों होते हैं? तो तुम पलट के अब जवाब देने का दौर गया, अब मुल्लाओं से सवाल शुरू करो कि भैया हम अपने अब्बा के जमाने में सुनते रहे जो करता अल्लाह ही करता, तो मोदी को अल्लाह ही तो लाया। लेकिन बाबू एक बात सुनो, मुफ्ती लोग से पूछना है हमको कि अल्लाह लाया क्यों? तो भैया अपनी औकात तो नहीं, वल्लाहु आलम रसूल, अल्लाह जाने, उसका प्यारा जाने, उसकी अता से उसके प्यारे के प्यारे जाने। लेकिन हाँ एक छींटा मिला, वो ये कि तुम्हारे लिए लाया जी, जैसे वो कभी मुख्तार को यजीदियों के लिए लाया था। तारीख भूल गए, तारीख भूल गए, आखिर में वो भी गुमराह हो गया, उसका भी ईमान गया, लेकिन कुटाई तो हो गई। तो मैं तो एक कॉन्फ्रेंस में कह के आया, तमन्ना बबीरू वालों के थी, जूता हमारा होता सर वहाबी का होता, हाय हाय हाय, तमन्ना बांदा वाले की थी, लाठी हमारी होती सर हथौड़ा वाले यजीदी का होता, हाय हाय, तमन्ना तो कमासिन वाले की थी, चप्पल हमारी होती सर देवबंदी का होता, हाय हाय, तमन्ना तो हशमती निजामी साबरी गुलाम की थी कि लाठी हमारी होती सर राबजी यजीदी का होता, बेशक। लेकिन मियां निजाम ये निजाम इलाही है, आहा सुभान, हम समझ रहे हमारे हाथ में है, तुम समझ रहे हमारे हाथ में है, अपुन के हाथ में नहीं है बाबू, किसी के हाथ में नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं है, तिनका भी हमारे, हिलाए नहीं हिलता, लेकिन वो हिलाते तो दिल्ली हिल जाए, बेशक, निजामुद्दीन हिलाते, अलाउद्दीन हिलाते, मखदूम अशरफ हिलाते तो पहाड़ खिसक जाए, बेशक। जब इनका ये आलम है तो गौसुल अगमास का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान, अभी इनकी मारे नहीं देखी है, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी मार का ये आलम है कि बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली या मेरे गौसे पाक ढाले चढ़ जाती है उठता है जो अभी इन कुत्तों ने क्या देखा है? इब्तिदाए इश्क है देखा है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान, अभी देखिए, अभी देखिए, ढाले छड़ जाते हैं उठता है जो नेजा तेरा, बेशक। और बेटा एक बात समझ लेना, मदरसे का कलम तो कोई भी कंजर उठा सकता है, अरबी फारसी लिखने वाला मंतिक फलसफा खासकर, लेकिन ये नेजा अली का है, पता है कुछ? और अली को भी किसने दिया है? मेरे आका ने कहा सुबह ये उसको निशान दिया जाएगा जो अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान, और उसके दस्ते पाक पे अल्लाह ने फतो कामरानी लिख दी है, सुभान अल्लाह, सुभान। मुफस्सरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं सारे सहाबा अर्जू कर रहे हैं देखो शायद ये निशान सुबह हमें मिल जाए, शायद ये 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 हमें मिल जाए। सुबह नमोदार होती है और आवाज मुस्तफा आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आईना अली ابن ابي طالب سبحان الله سبحان الله اسد الله الغالب سبحان الله امام المشارق والمغارب سبحان الله حل للمشكلات والنوائب دفع المغالات والمصائب سبحان اخي الرسول وزوج البتول سيدنا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب سبحان کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب وہ نشان لے کر چلتے ہیں تو تم کیا سمجھو ان کتوں سے کیا پوچھو گے شان علی کیا ہے اگر شان علی سمجھنا ہے تو در اعلی حضرت پہ آنا ہوگا در حشمت علی پہ آنا ہوگا در اللہ اکبر نظام الدین پہ آنا ہوگا در اعلی حضرت پر تم کو آنا ہوگا تو اعلی حضرت یوں فرمائیں گے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ جھوم کے مرتضی شیر خدا مرحب کو شاہ
خیبر کشا اے مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سنبنا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن ہاں سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن آج یہ نشان علی کے ہاتھ میں ہے جانتے ہو یہ علی اللہ اکبر کون ہے اللہ اکبر اعلی حضرت سرکار نے بات آ گئی تو میں سفر میں سوچتا رہا اور سوچتا کیا رہا ان کی رحمت کی باتیں ہیں یہی سوچتا رہا کتوں کا تذکرہ ہے کمینوں کا تذکرہ ہے پھٹوؤں کا تذکرہ ہے لفنگوں کا تذکرہ ہے لٹیروں کا تذکرہ ہے کمینوں کا تذکرہ ہے ارے پیاروں کا تذکرہ کرو تو رحمت نہ برسے تو کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار پیار میں اٹھا کے سبحان اللہ دیکھو ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر بات آ گئی تو دل نہیں مانتا یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ رجب شریف کا مہینہ ہے اس کو نسبت غریب نواز سے بھی ہے کہہ دو سبحان اللہ اس کو نسبت فاطمی لال سبحان اللہ سیدنا امام جعفر صادق کے کونڈوں سے بھی ہے سبحان اللہ اس کو نسبت سرکار مولا علی کی ولادت مبارکہ بھی ہے سبحان اللہ اور کتنے پیاروں سے ہے سبحان اللہ کتنی سرکاروں سے اس کو نسبت ہے لیکن بات آ گئی تو سنتے چلو جن کا ذکر بند کیا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں یہ صدقہ ہے شیر ہندوستان کا یہ صدقہ ہے فاتح کشمیر کا یہ صدقہ ہے شیر ہندوستان کا کہ ہم علی کے نعرے لگا رہے ہیں جی بے شک ورنہ سنی کہلانے والے کمینوں میں غور سننا اس بات کو سنی کہلانے والے کمینے ملاؤں میں لٹیروں میں حرام خوروں میں چندہ خوروں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہو گیا تھا کہ اگر علی علی کر دو یا نعرہ حیدری تو بولے شاید شیعہ ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین تازیہ شریف رکھ دو تو بولے شاید شیعہ ہو گیا معاذ اللہ کہو معاذ اللہ تو آگے میرا بھی جملہ آگے لیٹ کے سوچتے رہنا پیٹ میں درد ہوگا تو ہاضمولا لے کے آنا نعرے حیدری تمہارے دادا کے زمانے سے لگتا ہے بولو جی لگتا ہے بے شک دادی کے زمانے سے جی نانا کے زمانے سے جی بچپن سے لگتا ہے جی نسلوں سے لگتا ہے جی مہرہ شریف کی ایک پھول ہے سبحان کہہ دو سبحان اللہ سبحان کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا سبحان اللہ مخدومی سید نظمی میاں صاحب مہروی رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا کلام ہی اسی پر ہے نعرے حیدری نعرے حیدری جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اے ارے میاں تبھی کہتا ہوں ان ملاؤں سے قوال اچھے ہیں اے محبت سے جو علی کا نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے سبحان سبحان وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے ارے مسلمانوں سنو خدا کی قسم علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے سبحان اللہ سبحان نعرے یا علی یا علی نعرے حیدری یا علی یا علی نعرے حیدری یا علی یا علی نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم علی علی کہیں تو شیعہ ہو جائیں تم دیوبند جاؤ تو دیوبندی نہ ہو جی ہم تازیہ رکھتے ہیں تو شیعہ ہو جائیں تم اسماعیل تیلوی وہابیوں کے امام تطہیر کی حمایت کرو وہابی نہ ہو جی تمہارے باپ میں دم ہے آؤ میں ثابت کرتا ہوں کہ تطہیر نے اسماعیل تیلوی کا مشن آگے بڑھایا جی معاذ اللہ رب العالمین تطہیر نے جی 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 بولو اسماعیل تیلوی کا مشن آگے بڑھایا جی جس کو اعلی حضرت نے وہابی نہیں وہابی نہیں لکھا امام الوہابیہ وہابیوں کا امام امام یہ کمینہ کتا کتے بھی اچھے ہوتے ہیں جو گلیوں میں ہوتے ہیں سنیوں کی ہاں میں نے دیکھے ہیں میں کبھی کبھی ان کو گوشت بھجوا دیتا ہوں ہاں ان کو تو بھجوا دو لیکن فرمایا بد مذہب مر رہا ہو تو کتے کو پانی دے دو بیٹی کو مت دینا بیش بیش جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ حشمتی بنتے ہو حشمتی بنتے ہو ایک جملہ یاد رکھنا یہ فرض نہیں ہے تم کسی آج کے پیر کو مانو نہ مانو گدا نشین سجادہ نشین تکیا نشین لحاف نشین چٹائی نشین کرسی نشین
नेता नशीन, सियासत नशीन, खबीस नशीन, सारे नशीन, किसी को मानो ना मानो लेकिन इस पर अमल हो जाए सुन्नी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बता दूं किस पे? ये दो बातों में घर बैठे सुन्नी रहोगे, सुन्नी रहोगे, सुन्नी उठोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, इल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, सुभान। मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान। बातें कदो तथीर की, फिर कहो मुल्ला है। हमें ये चुल्ला मुल्ला नहीं चाहिए, हमें मुल्ला निजामुद्दीन दिल्ली के चाहिए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या जरूरत है? तो वो बात रह गई थी, मैं किताब पढ़ के आंसू आ रहे थे, सरकार फारूक आजम की कुर्बानी। ये तुम गांव देहात में रह के क्या जानो, मुझसे पूछो। मैंने विदेशों में एयरपोर्ट से किताब खरीदी, सुन लो, उनके फजाइल बयान करना इबादत है। बेशक। और एक हवाला तो यहां तक बता दूं कि नफिल से अफजल, सुभान, नफिल से अफजल है। तो मैंने एयरपोर्ट से किताब खरीदी, वो ऑस्ट्रेलिया का वजीर खारजा है एक्स, और कितने अंग्रेज हैं पीएचडी कर रहे हैं, वो अंग्रेज लिखता है मुसलमानों आज भी कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारे नबी का एक दीवाना है जिसका नाम फारूक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो अंग्रेज कहता है, ये टांडा का कुत्ता कहता है। एक बात सुनो, वो अंग्रेज कह रहा है तो मालूम क्या हुआ, ये तजल्लीय नूर है जिसको मौला अता फरमा दे। का उनको मान लो, उनके पीछे चलो, इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा, तुम तरक्की करोगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था ना, मैंने कई जगह कहा बांदा बबेरू के कोई मुल्ला ना बोले तो दीन नबी उनका मोहताज नहीं है, बुंदेलखंड का कोई मुल्ला पीर ना बोले हसनी हुसैनी दीन उनका मोहताज नहीं है, बेशक। हम जैसे लाखों कुत्ते दरे हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने चंद बिल्डिंगें बना ली, तुम भूल गए इमाम आली मकाम की बात करते, तुमने पढ़ाई कब है बेवकूफो, तुमने पढ़ाई कब है? मैंने अभी एक आदमी से कहा था, किसी मुफ्ती से खाली इतना ही पूछना कि जरा इतना बता दे बदीउद्दीन जिंदा शमादार कौन थे रजी अल्लाह तआला। अबे जितने दिन तुम पढ़ते हो ना, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गप नहीं है, गप तारीख है, जितने दिन तुम पढ़ते हो इतने दिन तो खाली वो वलियों की जूतियां उठाते थे। मखदूमी सैयद सरकार बंदा नवाज गेसू दराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके प्यारे हैं? मखदूमी सरकार सैयद ना हुजूर सैयद सरकार नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली का चिराग महबूबे इलाही जलाए, टांडा के कुत्ते समझे हम बुझा देंगे। अबे ये तथीरी कुत्तों ने चिराग नहीं जलाया है, ये अजमेर के मोइनुद्दीन ने जलाया है। बेशक, बेशक। कलियर के अलाउद्दीन ने जलाया है। बेशक। ये दिल्ली के कुतुबुद्दीन ने जलाया है। बेशक। सबूत से जलने वालों के कुल हो गए चरा, अहमद रजा की शम्मा फरोजा। सुभान अल्लाह।